तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्पमित सरफराज खान में। आज की रेस्क्यू कॉल हमें बरुजना से मिली है, जो कि आपू कोहड़ी रोड पर एक फार्म हाउस बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ नेचुरल खुला एरिया है, और सांप एक ऐसी चीज़ है कि उसका नाम ही काफ़ी होता है लोगों को डराने के लिए। और जब ओरिजिनल में अगर देख ले तो देखते ही लगता है कि जान हाथ में आ गई। तो इस तरीके से सांपों का डर किसानों में और हर इंसान में बना हुआ है, और ऐसी जगहों से भी हमें सांप रेस्क्यू करना पड़ते हैं। आप देख सकते हैं खेत और खलिहान, खुले मैदान, और यहाँ पे सिंचाई का काम भी चल रहा है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे निकालने के लिए आ गए। अब हम यहाँ से इसको निकाल करके कहीं और दूसरे नेचुरल एरिया में छोड़ेंगे। अब देखते हैं कौन सा और कैसा सांप है, फिर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सांप को, शायद आपको दिखाई दे रहा है। और ये सांप एक कोबरा सांप है, जो कि पूरे भारत में हर जगह पे पाया जाता है। इसे कॉमन कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, और साइंस इसको नाजा नाजा के नाम से जानते हैं। तो हम इसे पहले व्यवस्थित तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आपको इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। तब तक बने रहें वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आए थे ग्राम भरुजना और हापुगेड़ी रोड पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे खेत खलियान खुला एरिया है, लेकिन सांप एक नाम ही काफ़ी है लोगों के डर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सांप को निकाला। ये सांप एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग या नागिन, और ये सांप विषैला सांप होता है। इस सांप के अंदर दो तरह का जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। ऐसा सांप कभी भी काट ले तो आप सीधा सिविल हॉस्पिटल ही जाएं, झाड़ फूक हो जाए के चक्कर में ना रहें, वरना मरे जाएंगे। वीडियो देखकर आप इन सांपों को बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए घातक और जानलेवा हो सकता है। तो ऐसा सांप कभी भी दिखाई दे तो आप इन्हें मारे नहीं, हमेशा रेस्क्यू और फॉरेस्ट विभाग को संपर्क करें। तो हमने इसको व्यवस्थित तरीके से निकाल लिया है, और जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे। तब तक बने रहें वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो।